असलम वेलकम टू नदर वीडियो आज की वीडियो में जी बात करने जा रहे हैं ए एस एफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स बेसिक फिफ्टी वन का रिटर्न टेस्ट कौन सी तारीख से शुरू होने जा रहा है डिटेल के साथ आप लोगों को आगाह करेंगे आप लोगों का पहला रिटर्न टेस्ट आप लोगों का कौन सी तारीख से और कौन सी पोस्ट का रिटर्न टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है जी और जी बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे जो कि आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने के लिए कौन कौन से मरहल से

वीडियो को लाइक करें ताकि आप लोगों को आने वाली अपडेट्स भी बवाक मिलती रहे सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं आप लोग अगर एयरपोर्ट्स को डिफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन से मरल से आप लोगों को गुजरना पड़ता है सबसे पहले जी डियर फ्रेंड आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने का एक या डेढ़ मंथ बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है जो कि अभी आप लोग फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं जिसमें जी रनिंग पुशअप सिटअप्स और मेडिकल एक सिंपल आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है और जिसमें से आप लोग फिफ्टीन मार्क्स अगर हासिल करते हैं आप लोग रिटर्न टेस्ट के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं रिटर्न टेस्ट जी सेकंड मर लिया जाता है सेकंड प्रोसेस जो है वो रिटर्न टेस्ट का होता है रिटर्न टेस्ट आप लोग अच्छी तरीके से पास करते हैं अगर मेरिड में आ जाते हैं तो रिटर्न टेस्ट की मैरिड की बेस पे रिटर्न टेस्ट एक मेरिड हेडकोर्टर की जानब से अनाउंस किया जाता है वैकेंसीज के हिसाब से उसके बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं जो थर्ड स्टेप होता है वो इंटरव्यू का होता है इंटरव्यू जो है वो आप लोगों का थर्टी मार्क्स का लिया जाता है और फिफ्टी मार्क्स का आप लोगों का जो है रिटर्न टेस्ट लिया जाता है अब जो एटी मार्क्स हैं इनमें से आप लोगों का जो है फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं डी एफ जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दो से तीन बैच गुजर चुके हैं आप लोगों से वहां परफॉर्मा किया जाता है जिसमें आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट का परफॉर्मा देते हैं वो आप लोगों से पुर करवाया जाता है सेकेंड आप लोगों से रेटिंग चेक करने के लिए

ने किसी स्टेशन पे चाहे जो भी स्टेशन आप लोगों को बताया जाता है उस पे आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग दी जाती है लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन नहीं होती वहां पर जो एक मेडिकल का प्रोसेस होता है ये चार पाँच जो मेन स्टेप्स थे जहाँ के ऑफर लेटर तक वो आप लोगों के मैंने क्लियर किए ये ए कार्पोरल और कार्पोरल ड्राइवर जो कि यूनिफॉर्म सीट्स हैं उनका जी सेम प्रोसेस है सेम तरीका का है अब जी जो फाइनल मेडिकल टेस्ट है वो आप लोगों का ऑफर लेटर मिलने के बाद लिया जाता है जो कि आप लोगों ने चाहे हेड क्वार्टर क्रैची ज्वाइनिंग देनी है या कहीं भी देनी है तो आप लोगों का ये जो मेडिकल टेस्ट है ये आप लोगों का मेडिकल टेस्ट सिविल सर्जन कंडक्ट करता है जो कि कम से कम एटीन रैंक का जो है ऑफिसर होता है एटीन बी पी का जो है ऑफिसर होता है सिविलियन सर्जन होता है ना कि ये यूनिफॉर्म आर्मी नॉट ये पर्सन वो है सिविलियन डॉक्टर होता है जो कि जिसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता वो आप लोगों का मेडिकल टेस्ट दोबारा लेता है डियर फ्रेंड जो सिविल सर्जन है वो आप लोगों का सबसे पहले जो है हाइट चेक करता है हाइट मुकम्मल तौर पे जो कि आप लोग जब ज्वाइनिंग देते हैं उस वक्त भी चेक की जाए लेकिन सिविल सर्जन ये ख़ुद चेक करता है दोबारा से हाइट के कोई सिफारिश के या इधर उधर से कोई बंदा ना आ गया और हाइट चेक करता है हाइट के बाद चेस्ट आप लोगों की आइज़ चेक की जाती है एल्बो चेक की जाते हैं फुट चेक की जाते हैं और ए एक नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल के ऊपर कम्प्लीट बनाऊँगा फार मेल्स के ऊपर मैं अभी वो डिस्कशन कम्प्लीट नहीं बता सकता इन शहीद सी वीडियो आएगी उसमें वो वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी दीजिए जो कि आप लोग काफ़ी सवाल मुझसे किए जा रहा था कि मेडिकल के ऊपर एक मुकम्मल था वीडियो बनाए फाइनल मेडिकल की अगर वो स्टैम्प मार देता है कि आप लोग फिट हैं तो उस फिट के बाद आप लोगों की सैलरी स्टार्ट होती है आप लोगों का ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे पहले ना आप लोगों की ट्रेनिंग ली जाती है सिर्फ आप लोगों को ऑफर लेटर दिया जाता है उसके बाद आप लोगों को एक मंथ बाद आप लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है जो कि आप लोग सेलेक्टेड होते हैं जो कि आप लोग मुकम्मल तौर पर वहाँ पर उम्मीद हो जाती है कि अब मैं बिल्कुल सिलेक्ट हो चुका ऐसे काफी कैंडिडेट्स ऐसे काफी केसेस आ चुके हैं फाइनल सिलेक्शन ऑफर लेटर मिलने के बाद भी हेपेटाइटिस का केस आ जाता है हेपेटाइटिस के ऊपर कोई नहीं एस में जिसमें अजी काला यरकान कहते हैं तो वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं तो वो उनको जो है ज्वाइनिंग लेने के बाद फिर भी उनको आउट कर दिया जाता है एक दो मंथ बाद भी ऐसे केसेज आए हैं उनको जो है आउट कर दिया क्योंकि वो मेडिकली अनफिट है डी ए फ्रेंड यह सिंपल सा प्रोसेस था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया एक फिजिकल इनिशियल ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर अपनी एक स्टार्ट तीन चार मिनट की वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत बड़ी और बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन दी है जो कि लास्ट तक प्रोसेस है अब जी हम बढ़ते हैं आप लोगों की गवादर की के गवादर एयरपोर्ट की वैकेंसीज के रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल किया जा रहा था कि न्यू वैकेंसी जो कि पैंतालीस प्लस आनी है वो कब से उनका अप्लाई स्टार्ट होने जा रहा है डियर स्टूडेंट्स जो वो वैकेंसीज हैं अभी तक आप लोगों को मालूम है कि बेसिक 50 के रिटर्न टेस्ट रहते हैं रिटर्न टेस्ट कंप्लीट होंगे रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद जब जॉइनिंग होगी ये कम से कम इस जो गवादर एयरपोर्ट की वैकेंसीज है वो पैंतालीस होनी है उनको कम कर दिया क्योंकि अभी डिवाइड डिवाइड करके उनकी वैकेंसीज का अभी बेसिक फिफ्टी वन की ये जो है उसकी तेरह चौदह सौ ये भी एक गवादर एयरपोर्ट की भर्ती का ही है साथी तो आप लोगों की जो वैकेंसीज है नेक्स्ट आप लोगों के तकरीबन भी आप लोगों के अक्तूबर तक उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और वो जो है नवंबर में जाके कहीं अनाउंसमेंट होगी अब आप लोग रिटर्न टेस्ट की प्रिपेशन करें ताकि आप लोग इन वैकेंसीज में सेलेक्ट होकर आप लोग अच्छी तरीके से अपने कमजाबी के मराइल की तरफ बढ़ सकें मज़ीद कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप लोगों के एएसएफ की भर्ती के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है कमेंट पे पूछे ताकि आप लोगों के तमाम सवाल नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करें ये तमाम सवाल कैंडिडेट्स की जानब से पूछे गए थे जो कि आप लोगों के साथ मैंने वीडियो बना के थर्डली आप लोगों के साथ शेयर कर दीगा थैंक्स फॉर वॉचिंग हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद